एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। जेम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदी। नाजरीन, एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो यह भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए